दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हमें सेक्टर 8 आगरा नहर पुल पर और यहां पर एक डेड बॉडी मिली है और डेड बॉडी किसी युवक की है ऐसा लग रहा है। बाकी हम चलते हैं वहां पर, देखिए यहां पर जो रुक रहे हैं वो देखने का प्रयास कर रहे हैं, पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मिसिंग हो गए उनके परिजन परेशान होंगे, पूरा परिवार ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा होगा। तो हम थोड़ा सा चलेंगे जहाँ पर डेड बॉडी है और उसके बाद पहचान बताने का प्रयास करेंगे ताकि इसकी पहचान हो सके। पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँच गया है, डायल 112 की टीम यहाँ पर पहुँच गई है, लोकल पुलिस भी यहाँ पर पहुँचने वाली है। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, डेड बॉडी निकालने का काम शुरू होगा। यहाँ पर थोड़ा सा जाम भी लगना शुरू हो गया है तो लोग यहाँ पर रुक रहे हैं। भाई हटो यहाँ पर, आप लोग तो पहचान भी नहीं पाओगे, हम कपड़े वगैरह दिखा दें, थोड़ा सा हटो, हटना भैया, थोड़ा देख के हट जाओ क्योंकि अभी पुलिस आपको यहाँ से हटाएगी फिर। हाँ थोड़ा सा दिखाइए, कपड़े वगैरह दिख जाएं, दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, दिखा दो, हाँ दिखा दो थोड़ा जूम करके। ये देखिए इसने पिंक कलर की शर्ट पहनी है और ब्लैक कलर का पैंट पहना है, बस बहुत है। हाँ पिंक कलर की शर्ट पहनी है और ब्लैक कलर का पैंट पहना है, कोई युवक है ऐसा लग रहा है, मेरे ख्याल से 30-35 साल का होगा, 30-35 साल का होगा। और बाकी सर ऐसे है, आप थोड़ा मुझे दिखाओ, ऐसे है, ऐसे पड़ा हुआ है नहर में, सर नीचे की तरफ है तो पहचान नहीं हो रही, लेकिन कपड़ा पिंक है, जो शर्ट है इसकी पिंक है, तो उससे आप लोग पहचानिए। अगर आपके घर का कोई गायब है और उसने पिंक कलर की शर्ट पहनी है और करीब ब्लैक कलर का पैंट अगर पहना है और कमर में एक क्या होता है धागा भी बंधा हुआ है, तो कमर में अगर धागा वो बांधता है, आपके घर का कोई मिसिंग है तो आप ज़रूर पहचानने का प्रयास करें। फ़ोटो ले लेते हैं, तो मैंने पहचान बता दी है, बस इतनी ही समझ में आ रही है कि पिंक कलर का उसने शर्ट पहना है, ब्लैक कलर की पैंट पहनी है। बाकी वहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि कई बार मीडिया को देखकर लोग रुक जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कुछ बड़ी वारदात हुई है, हालांकि जिसके घर का कोई गायब होगा वो भी परेशान ही होगा। तो फिर से हम दिखाएंगे, अगर कैमरामैन दिखा सके तो। ये देखिए पिंक कलर की, इसने पिंक कलर टी शर्ट पहनी है और धागा है ब्लैक कलर का, कमर में बंधा हुआ है, बस इतना समझ में आ रहा है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी देखिए यहाँ पर जाम लग रहा है क्योंकि डेड बॉडी मिली है तो लोग उसे देखने के लिए उतावले हो रहे हैं और पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आसपास का कोई युवक हो सकता है खुद से कूदा हो या उसको फेंक दिया गया हो मार मार के, ये तो जाँच का विषय है। लेकिन जो भी यहाँ पर भीड़ देख रहा है रुक रहा है क्योंकि एक कौतूहल का विषय है, लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन आप इधर आ जाइए क्योंकि यहाँ पर जाम लग रहा है, लोकल पुलिस पहुँचेगी, फायर ब्रिगेड की टीम पहुँचेगी, उसके बाद उसको निकालने का काम शुरू होगा। हमने पहचान तो बता ही दी है, बाकी लोग देख रहे हैं और पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। डायल 112 की टीम आई है और मेरे ख्याल से लोकल टीम अभी नहीं पहुँची है, लोकल पुलिस की, जैसे वो पहुँचती है उसके बाद निकालने का काम शुरू होगा। और इसके लिए हो सकता है फायर ब्रिगेड को बुलाया जाए, हो सकता है एक्सपर्ट टीम को बुलाया जाए, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाए, जो भी होगा कार्रवाई आपको अपडेट देंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना है कि यहाँ पर डेड बॉडी मिली है, पिंक कलर की शर्ट है और ब्लैक कलर का पैंट है और एक कमर में धागा बंधा हुआ है, इतनी ही पहचान हो पा रही है। बाकी उसका जो सिर है नीचे की तरफ है और ऐसे जो है वो लेटा हुआ है, मतलब उल्टा लेटा हुआ है, सब कुछ नीचे है, तो बस इतना बताना था। और सेक्टर 8 पुल इसको बोलते हैं, आगे सेक्टर 8 का शमशान घाट है और बाईपास रोड है और नहर पार की साइड, मतलब नहर की साइड जो है ग्रेटर फरीदाबाद की साइड, वो डेड बॉडी उल्टा जो है पड़ी हुई है नहर में, बस इतना बताना था। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।